अब वो कौन सी चीज है जो ये समझाती है कि मीरा के साथ इज क्यों आना चाहिए, और अगर मीरा एंड राहुल लिखा हुआ है तो उसके साथ आर क्यों आना चाहिए? Why is it that we use have with I and have with we, but we use has with he, she? क्यों है ये? Why is this all there? Well, ये English grammar का एक topic है which is known as subject verb agreement, या जिसे हम subject verb concord भी कहते हैं. ये जो topic है ना, ये तुम्हारी इस game का कारण है. ये जो मैं कह रही थी ना कि Meera के साथ is आएगा, Meera and Rahul के साथ are आएगा, इसके पीछे ये वाला टॉपिक है और यही टॉपिक की शुरुआत आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं. वेलकम एवरीवन गाइस, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज इंग्लिश ग्रामर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू वंडरफुल पीपल आउट देयर. आज मैं जो टॉपिक शुरू करूंगी ये एक ऐसा टॉपिक है. देखो, आई नो ऑल ऑफ यू डू दीज वीडियोज बिकॉज यू थिंक कि ग्रामर मार्क्स लाने के काम आती है, but also you have to think that English language is not only a subject, it's a skill. So you will learn to speak English and you will learn to write English, aur dono hi jagahon pe kis shabd ke sath kaun sa verb aana chahiye ye knowledge bahut zaruri hai, isiliye ye topic bhi bahut zaruri hai. To chalo, let me explain what this topic is all about. Let's look at the board. Pehla sentence maine likha hai, Meera and her sister are sleeping. दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, मीरा इज स्लीपिंग. अब मैं तुमसे पूछूं कि मीरा एंड हर सिस्टर के साथ आर क्यों लगाया और मीरा के साथ इज क्यों लगाया, तो तुम मेरे को सीधा सा लॉजिक दे दोगे. तुम कहोगे, यार मैम, मीरा एंड हर सिस्टर है, दो जने हैं, प्लूरल है, तो आर आएगा, राइट? और मीरा इकलौती है, सिंगुलर है, तो इज आएगा. बस यही है, एग्जैक्टली दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. यानी सेंटेंस में हमेशा द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है उसकी और वर्ब की आपस में अग्रीमेंट होनी चाहिए. दे शुड बी ऑन द सेम पेज. लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए आपस में. तो जब मीरा और उसकी सिस्टर की बात हो रही है यानी प्लूरल की, देन आई शुड ऑल्सो हैव अ वर्ब विच इज प्लूरल, इसीलिए मैं आर लगाती हूँ. एंड ऑन द अदर हैंड, वेन आई हैव मीरा जो अकेली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं खाली इज लगाती हूँ. ये सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट होना is called subject verb agreement or subject verb concord. अब ये टॉपिक में समझने वाला क्या है मैम? ये तो बड़ा सिंपल है. इज आर फंडा ये है कि ये टॉपिक में कई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां पे ये समझना मुश्किल हो जाता है, इज लगाएं, आर लगाएं, वॉज लगाएं, वर्ड लगाएं. सो उसी प्रॉब्लम को हम खत्म करेंगे आज की वीडियो में. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. देयर आर मेनी रूल्स टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. दिस इज जस्ट द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज. आज मैं सिर्फ 6 रूल कराऊंगी, और भी बहुत है जो अगली वीडियोस में हम विल कीप ऑन यू नो डूइंग देम. ओके, तो चलो पहला रूल समझते हैं. टू सिंगुलर, मैंने रूल्स बोर्ड पे लिखे हैं. इफ यू वांट, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं वो तो इसको डेफिनेटली नोट डाउन करेंगे, बिकॉज जब तक रूल्स आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे यू कांट रियली डू दिस वेल. बट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर नॉट देयर इन माय ऑफलाइन क्लास, इफ यू वांट प्लीज नोट देम डाउन, एक जगह पे लिख के रख लीजिए, बिकॉज देन प्रैक्टिस बिकम्स ईजी. ओके, सो लेट्स बिगिन. टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड. दो सिंगुलर नाउन, मतलब दो नाउन सिंगुलर होने चाहिए. अगर उनको आपने एंड से जॉइन किया है, सेंटेंस में एंड है, तो द सेंटेंस विल टेक अ प्लूरल वर्ब. यानी दो सिंगुलर नाउन्स के बीच में अगर एंड है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में है, मीरा सिंगुलर नाउन, शीतल सिंगुलर नाउन, जॉइंड बाय एंड, तो क्या आएगा वर्ब में? आर. इसीलिए मेरा सेंटेंस क्या बना? मीरा एंड शीतल आर प्लेइंग. दैट्स योर रूल नंबर वन. अगर दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जॉइन किया गया है तो वो प्लूरल वर्ब ही लेंगे, सेंटेंस में प्लूरल वर्ब ही होगा. अब ये बात तो तुम्हें क्लैरिटी है ना, दैट इज वॉज हैज आर सिंगुलर वर्ब्स, वर आर हैव आर प्लूरल वर्ब्स, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये थोड़ा सा घुमावदार रूल आ गया. वेन अ सिंगुलर नाउन मीरा, सिंगुलर नाउन मीरा इज जॉइंड विद अदर नाउन, ओके, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, कुछ भी, एक मीरा हो गया, एक दूसरा कह लो प्रिंसिपल हो गया. जब ये दो नाउन्स आर जॉइंड बाय सर्टन वर्ड्स, कौन से वर्ड्स? विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एज वेल एज. तो मज़े की बात ये है कि अगर ऐसा है तो आप जो वर्ब लेंगे, द वर्ब
विल बी सिंगुलर अगर पहला जो नाउन है वो भी सिंगुलर है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. जब दो नाउन्स जोड़े जा रहे हैं और उनके बीच में उनको जोड़ने के लिए विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड, ये सब के साथ सेंटेंस बनाया जा रहा है, तो आप वर्ब लगाएंगे पहले नाउन के हिसाब से. अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर. मेरी बात समझ में आई? हाँ. अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे पूछती हूँ. द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज स्टाफ इज कमिंग होना चाहिए या आर कमिंग होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए. द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज स्टाफ इज कमिंग या आर कमिंग? अब हो गए ना कंफ्यूज, लगाओ रूल. रूल क्या कह रहा है? जब दो नाउन्स प्रिंसिपल स्टाफ, अगर ये दो नाउन्स को जोड़ा गया है वर्ड्स लाइक विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से, तो आप वर्ब लगाएंगे पहले नाउन के हिसाब से. तो पहला नाउन क्या है? प्रिंसिपल. वो क्या है? सिंगुलर. तो क्या सेंटेंस बना? द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज स्टाफ इज कमिंग. इज कमिंग बिकॉज प्रिंसिपल के हिसाब से वर्ब लगाना है. ओके कोई तुक्का नहीं लगाना. यू गाइज आर नॉट सपोज टू पुट तुक्का इन इंग्लिश ग्रामर. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये तो हमें फील हुआ कि करेक्ट है. समटाइम्स योर फीलिंग इज ऑल्सो नॉट राइट, यू नो, बिकॉज यू डोंट नो द रूल्स. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन हियर. द बॉक्स विद इट कॉन्टेंट्स, द बॉक्स विद इट्स कॉन्टेंट्स. द बॉक्स एक नाउन, कॉन्टेंट्स एक नाउन, जोड़ा गया विद के साथ. रूल लगाऊंगी पहले सब्जेक्ट, पहले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाऊंगी. तो ये जो मेरा द बॉक्स यहाँ पे नाउन है ये सिंगुलर है, इसीलिए मैंने हैज़ लगा दिया. हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, मतलब फेंको, सब कुछ फेंको, बॉक्स भी फेंको, अंदर जो है वो भी फेंको. ओके क्लियर. थर्ड, ओके, और मैंने ये लिखा है इसी सिचुएशन में अगर दो नाउन्स हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो आप उसके हिसाब से नाउन लगा, आप पहले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाएंगे. ऐसा ही सेंटेंस है, बीच में विद, अलोंग विद, टुगेदर विद है, दो नाउन्स हैं, लेकिन एक नाउन सिंगुलर है एक नाउन प्लूरल है, तो आप अपने दिमाग में बिठाएंगे कि जो पहला नाउन है, पहला सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वर्ब लगेगा. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. अगर दो नाउन्स जोड़े विद, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, इसी के कॉरलरी अगर दो नाउन जोड़े, एक प्लूरल एक सिंगुलर, तो भी अलोंग विद, टुगेदर विद, रूल यहां पे ये है कि अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड से जुड़ना चाहिए. अगर उनसे जुड़ रहा है तो आपका वर्ब पहले सब्जेक्ट या पहले नाउन के हिसाब से ही होगा. जैसे माई कॉमरेड्स एंड आई, नाउ लुक एट दिस, माई कॉमरेड्स एंड आई, माई कॉमरेड्स और आई, इनको जोड़ा, वर हैप्पी. ठीक है, पहले नाउन के हिसाब से आपको वर्ब लगाना है अगर ये वाले वर्ड्स आपको दिख रहे हैं. क्लियर, गुड, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. देखो जनरली जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ जोड़ते हैं तो वो दोनों अलग है, मीरा अलग है, शीतल अलग है, एंड के साथ जोड़ दिया तो प्लूरल बन गया, तो हमने आर का वर्ब लगा दिया. ठीक, सिमिलरली हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल अलोंग विद हिज स्टाफ जोड़ा, तो हमने वहां पे एक रूल लगा दिया कि वर्ब बनेगा पहले नाउन के हिसाब से. लेकिन कुछ सिचुएशंस में दो नाउन्स अलग होते हुए भी एक ही हैं, मतलब वो एक आइडिया, एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, ब्रेड एंड बटर. जब मैं ब्रेड एंड बटर बोलती हूँ तो क्या तुम्हारे दिमाग में ब्रेड अलग चमकती है और बटर अलग चमकता है? नहीं ना, तुम्हारे लिए ब्रेड एंड बटर इज वन डिश, एक ब्रेड एंड बटर की डिश तुम्हारी आंखों के सामने आ जाती है. यानी चाहे उस सेंटेंस में देयर इज अ सेपरेट वर्ड ऑफ ब्रेड एंड देयर इज अ सेपरेट वर्ड ऑफ बटर, दे आर टेक्निकली सेम थिंग, एक आइडिया. तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब भी दो सिंगुलर नाउन्स ब्रेड बटर एक सिंगुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उनका जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होता है. देखो ब्रेड एंड बटर आर टेस्टी नहीं बोलते हम, हम क्या बोलते हैं? ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी. हम इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चाहे ब्रेड और बटर दो अलग नाउन्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट वन डिश, वन पर्टिकुलर आइडिया, एंड दैट इज वाई हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना कि प्लूरल. ओके क्लियर. सिमिलरली द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग,
नॉट आर वेटिंग, क्योंकि घोड़ा अलग नहीं है और गाड़ी अलग नहीं है, इट्स घोड़ा गाड़ी, इट्स टुगेदर, इट्स हॉर्स एंड कैरिज आर टुगेदर, इट्स वन आइडिया। तो जब भी दो सिंगुलर नाउन्स जो वैसे तो अलग हैं लेकिन एक ही चीज़ के बारे में, एक ही आइडिया के बारे में बात करते हैं, इन दैट केस हम इज या सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ना कि प्लूरल। ओके, ग्रेट, आगे चलते हैं। फिफ्थ, अब ये बड़ा मज़ेदार है, देखो चार शब्द याद कर लो, ईदर और, नीदर नॉर। अगर ईदर और, नीदर नॉर किसी सेंटेंस में लग रहे हो और वहाँ पे दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ रहे हो, तो बस याद रखना है, चाहे जितना मर्जी अटपटा लगे, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फील वेरी ऑकवर्ड, आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। आई एम रिपीटिंग, रूल क्या है, ईदर या और, नीदर या नॉर, अगर किसी सेंटेंस में लग रहा हो एंड इट इज जॉइनिंग टू सिंगुलर नाउन्स, तो आप हर हालत में वहां सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल, ईदर ईदर शीतल और मीरा हैज द कीज, ईदर शीतल एक बंदी सिंगुलर नाउन और मीरा एक और बंदी सिंगुलर नाउन। रूल क्या है, दो सिंगुलर नाउन शीतल मीरा joined by either or, neither or या खाली neither, whatever, will always take a singular verb. अब मैंने क्या कहा, either शीतल और मीरा has the keys, has, have नहीं बोला, मैं दो जनों की बात नहीं कर रही, फंडा क्या है यहाँ पे, understand, when we use either or, we mean या तो इसके पास है या तो इसके पास है, या तो शीतल के पास चाबी है या तो मीरा के पास चाबी है, which means at a time we are talking about one person, हम एक बंदे की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जो verb लगाते हैं वो singular ही लगाते हैं। तो sentence क्या बना, either शीतल और मीरा has the keys, तो rule क्या है, either लगा, or लगा, neither लगा, nor लगा, अगर दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब तुम्हें ना रूल्स आसानी से नहीं याद होंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट वंस दे आर फिट इन योर माइंड, इट इज़ लाइक यू नो अ केक वॉक, फिर तो कुछ नहीं याद करना पड़ता, पता ही होता है यहाँ ये आएगा। लेकिन इसी रूल में एक चेंज है, एक ट्विस्ट है, वो क्या है, अगर ईदर और, नीदर नॉर लग रहा है लेकिन वो दो सिंगुलर नाउन्स को नहीं जोड़ रहा, वो एक प्लूरल नाउन को और एक सिंगुलर नाउन को जोड़ रहा है, तब वर्ब उसके हिसाब से होगा जिस नाउन के वो नजदीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, लुक एट दिस एग्जांपल, ईदर प्लेट्स और योर कप, मैंने क्या कहा, ईदर और, नीदर नॉर दो नाउन्स को जोड़ता हो, लेकिन कौन से नाउन्स, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो मेरे सेंटेंस में एक प्लूरल नाउन है प्लेट्स, सिंगुलर नाउन है कप, और रूल का दूसरा हिस्सा ईदर और या नीदर नॉर से जुड़ना चाहिए, तो ईदर और से जुड़ रहा है। नाउ व्हाट इज द सेंटेंस, ईदर प्लेट्स और योर कप, ईदर प्लेट्स, प्लेट्स प्लूरल नाउन, कप सिंगुलर नाउन, ईदर और से जुड़ रहा है। अब रूल क्या कहता है, इस सिचुएशन में वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा जिसके बगल में वो है। अब मेरा सेंटेंस सुनो, ईदर प्लेट्स और योर कप, अब इसके आगे वर्ब लगाना है ना, तो क्या लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं कि प्लूरल लगाऊं, कप क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, ऑब्वियसली सिंगुलर, तो मेरा वर्ब क्या लगेगा, इज। नाउ लुक एट द सेंटेंस, ईदर प्लेट्स और योर कप इज ब्रोकन, बिकॉज मेरा रूल कहता है अगर ईदर और, नीदर नॉर लगता है, एक नाउन प्लूरल है एक नाउन सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब उस नाउन के हिसाब से होगा जिसके बगल में वो है। अब मैं सेंटेंस बदल देती हूँ, सुनो ध्यान से, Either your cups or plate, sorry, either your plates, sorry, either your plate or cups. अब क्या आना चाहिए, is broken की are broken? Are broken, क्योंकि मेरा verb लगना है cups के बगल में और cups plural है, इसीलिए मेरा verb are होगा। ठीक है, तो let me just repeat this rule again. Rule number 4, 5th and 6th together. अगर ईदर और, नीदर नॉर लगता है सेंटेंस में, तो दो सिचुएशंस है, या तो ईदर और, नीदर नॉर दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ेगा, अगर दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ेगा तो टेंशन ही नहीं है, बिना सोचे सिंगुलर वर्ब लगाइए, यानी इज लगाइए, वॉज लगाइए, हैज लगाइए, ओके। बट अगर ईदर और, नीदर नॉर दो नाउन्स को जोड़ता है जिनमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, देन द वर्ब, आप जो वर्ब लगाएंगे वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे जिसके बगल में वो है।
अगर प्लूरल के बगल में है तो प्लूरल लगा दो, अगर सिंगुलर के बगल में है तो सिंगुलर लगा दो. ओके क्लियर. देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना छोटे बच्चों वाला टॉपिक नहीं है कि आइसक्रीम इज टेस्टी, पेंटिंग्स आर ब्यूटिफुल. वील हैव टू गो अ लिटिल नॉच अप. इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमें रूल समझना इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी डोंट गेट स्टक इन अ ग्रामर, वी डोंट गेट स्टक वाइल टॉकिंग, एंड वी डोंट इवन गेट स्टक वाइल राइटिंग समथिंग. ओके आई होप ये पहले 6 रूल्स क्लियर हो गए हैं. इन केस देयर इज अ डाउट please put it in the comment box. If you guys are watching me on YouTube, don't forget to like, share, subscribe and comment. And the next video coming up, wait for that, would be the second part in this series. Till then, take care. Bye-bye.